अजय अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। तीनों मिलकर खेत में काम किया करते थे। कुछ दिनों पहले ही अजय के माता पिता का देहांत हुआ था। अजय अब इस दुनिया में अकेला पड़ गया था। माँ बाबा के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। मैं समझ सकता हूँ अजय, कितना अकेला पड़ गया हूँ मैं। घर संभालूं कि खेत, समझ नहीं आता। अच्छा वैसे तुम्हारी गैस खराब हो गई थी ना, तुम्हें ठीक करवा लिया? नहीं यार, अभी इतने पैसे नहीं कि गैस ठीक कराऊं। सोच रहा हूँ कि एक चूल्हा बना लूं मैं अपने लिए। अजय अपने लिए एक चूल्हा बनाता है। बस खाना बन जाए इस चूल्हे में कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में नया गैस ले लूंगा। अजय चूल्हे में खाना बनाने की कोशिश करते हुए कभी अपना हाथ जला लेता और कभी धुएं की वजह से खांसता रहता। अजय जला भुना खाना खाते हुए दिखता है। एक रात को अजय खेत से बहुत लेट आता है और घर में कोई खाना नहीं बना है। भूख से अजय के पेट में आवाज हो रही थी। अजय रोते हुए अपनी माँ को याद करता है। माँ, तू होती तो मुझे कभी भूखे पेट सोना नहीं पड़ता। कितनी फूटी किस्मत है मेरी। अजय रोते रोते खिचड़ी बनाता है और फिर खाकर कुकर चूल्हे में ही रखकर सो जाता है। दूसरी सुबह, कल रात की खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनाई थी मैंने। काश थोड़ा सा बचा लेता तो आज भी खा सकता था। ये कुकर इतना भारी क्यों लग रहा है? मैंने तो कल सारी खिचड़ी खत्म कर दी थी। अजय कुकर खोलकर देखता है तो उसमें कुकर भरकर खिचड़ी पड़ी होती है। अजय हैरान हो जाता है, पर वो सोचता है शायद उसने कल रात को गलती से ज्यादा खिचड़ी बना ली होगी। अजय खिचड़ी खाता है और खेत में खाने के लिए भी ले जाता है। अजय, आज तो तुम बढ़िया खाना लेके आए हो, लगता है खाना बनाना सीख गए हो तुम। उस रात को अजय रोटी और सब्जियां बनाता है। सब्जी की कढ़ाई चूल्हे में ही रखी होती है। अजय खाना खाने के बाद जब कढ़ाई चूल्हे से उतारता है तो कढ़ाई फिर से सब्जी से भरी हुई है। आज तो मैंने इतनी सब्जियां बनाई ही नहीं थी। दूसरी सुबह अजय दाल बनाता है और बची हुई दाल गांव वालों में बांट देता है। अजय, मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम गांव वालों में हर रोज खाना बांटते हो? कुछ दिनों पहले तो तुम्हारे पास गैस भरने के भी पैसे नहीं थे। एक राज की बात बताऊं, चलो मेरे घर। देखो ये मेरा जादुई चूल्हा है, इसमें जब तुम खाना बनाओ तो बर्तन में खाना खत्म ही नहीं होता। तुम चूल्हे से बर्तन उतार दोगे तभी जाके खत्म होता है खाना। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम गांव वालों को फ्री में खाना क्यों दे रहे हो? तुम इसके पैसे चार्ज कर सकते हो, माला माल बन जाओगे तुम। नहीं जय, मुझे माला माल नहीं बनना। इस चूल्हे ने मेरे बहुत बुरे वक्त में मेरी मदद की है। मैं चाहता हूँ कि इसके जरिए मैं भी वैसा ही करूँ, जरूरतमंद लोगों की मदद करूँ। तुम बुद्धू हो क्या? मैं तो कहता हूँ एक होटल खोल लेते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अजय, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। जय और अजय ने मिलकर होटल खोल लिया। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। ज्यादा मेहनत किए बिना ही पैसे आते हुए देख जय लालची बन गया और चूल्हे को अपना बनाने के बारे में सोचने लगा। अजय, तुमने कभी ये सोचा है कि अगर हम एक चूल्हे से इतना कमा रहे हैं तो दो चूल्हे से और कितना कमा सकते हैं? पर जय, इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा चूल्हा भी जादुई चूल्हा बनने वाला है? तुम बना के देखो, क्या पता फिर से तुम्हारा जादू चल जाए। अजय और एक चूल्हा बनाता है, पर जैसे ही उस चूल्हे की लकड़ियों में आग लगती है वो चूल्हा आग से फट जाता है। ये क्या हो गया, ऐसा क्या डाला तुमने इस चूल्हे में? मैंने तो बिल्कुल वैसे ही बनाया था जैसे मैंने पहले वाला चूल्हा बनाया। कल फिर से बनाना। अजय ने दूसरा चूल्हा बनाया और दूसरा वाला भी फट गया। जय को गुस्सा आ गया और उसने अजय पर चिल्ला दिया। एक चूल्हा तुमसे ठीक से नहीं बनाया जाता। हाँ तो क्या हो गया, एक चूल्हा तो तुम्हारे पास है ही ना।
ज्यादा पैसों के लालच में पागल हो गए हो तुम। लालची तुम हो गए हो अजय। तुम नहीं चाहते कि मुझे दूसरा चूल्हा मिले, इसलिए तुम गलत किस्म का चूल्हा बना रहे हो। अजय वहाँ से उठकर बाहर चला गया। अजय ना तो लालची था ना तो अपने पैसे जय से छुपाना चाहता था। उसने सोचा वो फिर से एक चूल्हा बनाएगा, पर ये आखिरी चूल्हा होगा। अगर ये भी आग से फट गया तो पहला चूल्हा जय को देकर खुद खेती को लौट जाएगा। अजय ने ठीक पहले के चूल्हे जैसा दूसरा चूल्हा बनाया और होटल में रखकर सो गया। ये अजय मेरे सारे सपनों पे पानी फेर देगा। इसके भरोसे रहा तो मैं कभी भी शहर जाके पैसे नहीं कमा पाऊंगा। जय ने देखा होटल के किचन में चूल्हा रखा हुआ है। उसने चूल्हा उठाया और अपने घर चला गया। दूसरी सुबह। अजय बेटा उठो, उठो अजय बेटा उठो। हाँ क्या हुआ? जय गांव छोड़कर भाग गया है। क्या? जय का पूरा घर खाली है। वो अपना बोरिया बिस्तर बंद करके शहर की तरफ जाते हुए दिखा था, लोगों ने बताया। बेटा सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? नहीं काका, मैं तो जय की किस्मत पे हंस रहा हूँ। वो क्यों? उस बेचारे ने सोचा होगा कि जादुई चूल्हा चुरा के शहर में बहुत सारे पैसे कमाएगा। पर जादुई चूल्हा तो मैं कल रात अपने घर ले गया था उसको देखकर दूसरा चूल्हा बनाने के लिए। वो बेचारा नया चूल्हा लेकर चला गया। अब पता नहीं उसमें कोई जादू होगा भी या नहीं होगा। उधर जय शहर में एक दुकान खोलता है, बड़े बड़े बैनर बनाता है होटल के लिए और खुशी खुशी पूरे विश्वास से सब्जी बनाने की तैयारी में चूल्हे की लकड़ियों को आग लगाने की कोशिश करता है। पहले के सारे चूल्हों की तरह ये चूल्हा भी आग लगते ही फट जाता है। जय चूल्हे को और अपनी फूटी किस्मत को देखकर सर पकड़कर रोने लगता है।